हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज इफ 1 प्लस एक्स टू द होल पावर एन इक्वल टू सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू सी एन एक्स टू द पावर एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वन अपॉन सी जीरो प्लस टू सी टू अपॉन सी वन प्लस थ्री सी थ्री अपॉन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन अपॉन सी एन माइनस वन। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री इन सब की वैल्यू यहाँ पर सीरीज में पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा, सी वन अपॉन सी जीरो, तो सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन अपॉन सी जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन प्लस टू टाइम्स ऑफ सी टू, सी टू की वैल्यू कितनी होगी एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू होल अपॉन सी वन, सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन प्लस थ्री सी थ्री की वैल्यू कितनी होगी एन एन माइनस वन एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा फैक्टोरियल थ्री होल अपॉन एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस इसी तरह ये चलता रहेगा। और लास्ट में हमें टर्म क्या मिल जाएगा, लास्ट में हमें टर्म मिलेगा एन इंटू वन अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल टू से फैक्टोरियल, यहाँ पर ये टू कट जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू ही होती है, बाकी एन से ये एन कट जाएगा। इसी तरह यहाँ पर थ्री से फैक्टोरियल थ्री को कट करेंगे तो टू आ जाएगा क्योंकि फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू कितनी होती है सिक्स। अब टू से ये फैक्टोरियल टू कट गया, एन से ये एन कट गया, एन माइनस वन से एन माइनस वन कट गया। तो एक हमें सीरीज मिल रही है एन प्लस, यहाँ पर बचेगा एन माइनस वन, इसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा प्लस में एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस वन। इस सीरीज को अगर हम लोग रिवर्स करें तो कितना आ जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डॉट 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 एन माइनस वन और एन। अब देखिए ये एक ए बी की सीरीज बन रही है, प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए इनका सम कितना हो जाएगा एन एन प्लस वन अपॉन टू, एस एन की वैल्यू अगर हम लोग निकालें, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।